पटना में आज ANM द्वारा बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास का घेराव किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के सभी ANM वर्करों ने जमकर स्वास्थ्य मंत्री का विरोध किया। क्या था मामला, आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। मैं मौजूद हूँ मंगल पांडे के घर के बाहर। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। ANM के द्वारा आज कई मांगों को लेकर जो महिलाएं हैं, मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन कर रही हैं। किन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का घर का घेराव करने का क्या उद्देश्य है। आखिर बिहार राज्य ANMR द्वारा समिंद्रा पे जो कर्मचारी हैं उनको लेकर नारेबाजी कर रही हैं, थोड़ा प्रदर्शन कर रही हैं। आखिर क्या मांग है जिसको लेकर आज स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के घर का घेराव करना पड़ा? आखिर क्या कारण है जो आप लोग आज स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के घर का घेराव कर रही हैं? हम लोग जुलाई 21 तारीख से अनिश्चितकाल हड़ताल पर है। हम लोग साल भर से सरकार के मुख्यमंत्री के यहाँ, स्वास्थ्य मंत्री के यहाँ, प्रधान सचिव के यहाँ लेटर दिए हैं कि जैसे 2 साल पहले 6300 ANM का रेगुलर हुआ, उसमें 700 से 1000 के बीच में बहने छूट गई हैं। जिस वह छूटी है इस कारण से क्योंकि फ्रेश बहाली कर लिया गया। कार्यरत बहने से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया था, जो कि एक्सपीरियंस वाले का नहीं हुआ, फिर फ्रेश बहाली सरकार ने कर ली, जिस कारण से हम लोग कार्यरत बहने छूट गए हैं। हम लोग को सिर्फ मंगल पांडे जी से, मुख्यमंत्री से यही मांग है कि जो भी बहने कार्यरत है, क्योंकि बहुत सा उम्र एक्सपायर हो रहा है बहुत सारे बहने का, जो कि इसके लिए हम लोग का एक ही मांग है कि हम लोग का भी नियमित नियुक्ति किया जाए, सामान्य काम का समान वेतन दिया जाए, क्योंकि वर्क है बराबर, फिर यह सौतेलापन क्यों। वहीं इन दिनों पटना में मौजूद मशहूर शायर मुनव्वर राना की बेटी फौजिया राना भी मौके पर पहुंची और सुनिए उन्होंने क्या कहा। पहले तो ये बताइए कि जो चीज़ें जो आपके लॉकडाउन है, अनुमति नहीं है, उन्होंने ये ठीक है मांग की बात मान रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से जो बाकी चीज़ें शहर में चल रही हैं और जो चिकित्सा की स्थिति है, जो स्थिति इस वक्त बिहार की हो रही है महिलाओं को लेकर, तो क्या महिलाएं कब आवाज़ उठाएंगी? इंतजार करेंगी कि कोविड चला जाएगा? वो नहीं कुछ कर रहा है, वहाँ फॉलो नहीं हो रहा है, ये तर्क दे कर करके कोई दूसरा आदमी उल्लंघन नहीं कर सकता है। ये तर्क हम दें कि बाजार खुला हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग है।